नमस्कार, टीएफपी न्यूज में आपका स्वागत है। एलएसी के नजदीक पेंगोंग सो झील पर भारतीय सेना के पराक्रम के बाद केंद्र सरकार ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 118 चीनी एप्स को बैन कर दिया है। इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है, ऐसा नाम जो शायद उन कुछ चुनिंदा नामों में से है जिसे देश के हर नागरिक ने सुना होगा, पबजी मोबाइल। एक बार फिर से इस नाम को ध्यान से देखिए, सुनिए। जी हाँ, पबजी मोबाइल, मतलब भारत सरकार ने पबजी गेम को नहीं बल्कि पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। और यकीन मानिए, दोनों बातों में एक बड़ा अंतर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी इस लिस्ट में 32-33 नंबर पर लिखा है पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल नॉर्डिक। दरअसल पबजी आधिकारिक रूप से कोरिया की कंपनी ब्लू होल का गेम है। साल 2017 में यह बाजार में आया, पर उस समय यह केवल कंप्यूटर पर ही खेला जा सकता था। खेल का पूरा डेवलपमेंट ब्लू होल कंपनी ने किया और दुनिया भर में इस गेम को कंपनी की उम्मीद से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिला। पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इसे यह कहकर अनुमति नहीं दी कि यह गेम समाजवादी मूल्यों के खिलाफ है। तभी एक चीनी कंपनी की नज़र इस गेम पर पड़ी। इस कंपनी का नाम था टेंसेंट। उसने इसे चीनी बाजार में प्रवेश दिलाया। टेंसेंट इसकी पब्लिशिंग पार्टनर बन गई। अब टेंसेंट जो मोबाइल ऑडियो वीडियो गेम में महारत हासिल किए हुए थी, उसने पबजी के कंप्यूटर संस्करण वाले कॉन्सेप्ट को मोबाइल में लाने का ऑफर दिया। नया वेंचर स्थापित किया गया, नाम रखा गया पबजी मोबाइल। वही पबजी मोबाइल जिसे आज भारत सरकार ने बैन किया है। इस पबजी मोबाइल का पूरा डेवलपमेंट चीन में ही किया गया। जब भी आप पबजी मोबाइल खोलेंगे तो आप पाएंगे कि गेम के शुरू में ही टेंसेंट और लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो लिखा आता है। ये लाइट स्पीड एंड क्वांटम स्टूडियो टेंसेंट कंपनी के चार मुख्य स्टूडियोज में से ही एक है जो गेम्स का डेवलपमेंट करते हैं। इनके सर्वर्स अर्थात जहां यूजर्स के अकाउंट की सारी जानकारी स्टोर की जाती है, वो भी चीन में है। गेम के दौरान जो बातचीत हम करते हैं वो तक चीनी सर्वर्स पर उपलब्ध होती है। और क्योंकि चीन में समाजवाद के नाम पर तानाशाही का शासन है, इसलिए चीनी सरकार की इन सर्वर्स में पूरी सेंध मारी है। आज भारत सरकार ने देश की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था का हवाला देते हुए पबजी मोबाइल को बैन कर दिया है। पर पबजी गेम को नहीं, क्योंकि वास्तविक पबजी एक कोरियन गेम है। हालांकि इन दोनों के अलावा भी पबजी का एक और वर्जन है जिसे भी भारत सरकार ने बैन नहीं किया है। यह है ब्लू होल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मिलकर बनाया गया पबजी एक्सबॉक्स या पबजी कंसोल। इन दोनों को गेमर्स अभी भी खेल सकते हैं, कम से कम अगली लिस्ट आने तक तो ज़रूर।